शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी बात को चर्चित अर्थकर्ता फतेहपुर जनपद स्थित मलवा ब्लॉक के पहरवारपुर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापिका नीलम भदौरिया के प्रयासों का नतीजा है कि आज यह विद्यालय पूरे फतेहपुर जिले में अपनी एक छवि बनाने में कामयाब हो सका। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिला अधिकारी संजीव कुमार बच्चों को स्कूली ड्रेस वितरण किया। बिंदकी विधानसभा के विधायक करण सिंह पटेल कपड़े व किताबों स्कूली बैग वितरण किए। मुख्य विकास अधिकारी चांदनी सिंह ने बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं विद्यालय में वृक्षरोपण के साथ साथ प्रोजेक्टर का शिलान्यास विधायक के द्वारा किया गया है। ई लर्निंग समारोह में छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म वितरण के साथ साथ डायरी का भी वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। जिला अधिकारी ने आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्य भी किया। साथ ही लोगों को विद्यालय के आसपास गंदगी न फैलाने की अपील की। इस मौके पर मौजूद रहे पीयूष वर्मा IFS जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह वीडियो मलवा पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री अमरजीत सिंह जन सेवक प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री अमरजीत सिंह जन सेवक प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री विजय त्रिपाठी खजवा अध्यक्ष बलराम सिंह आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। बच्चे जब नवाचारों के माध्यम से पढ़ते हैं सीखते हैं तो डेली विद्यालय आते हैं, इसलिए इसी कड़ी में हमने 2016 में प्रोजेक्टर के रूप में शुरू करी स्मार्ट क्लास। उसमें बच्चे काफी आकर्षित हुए, हमारे यहाँ से नामांकन भी बहुत है। फिर उसमें और अच्छा करने के लिए फिर हमने स्वयं की प्रेरणा से आज इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करवाया। इसका एक फायदा हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ बच्चे काफी हैं, 230 नामांकन है, तो एक क्लास में 60 बच्चे हैं। अध्यापक 60 बच्चों को जब पढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि कक्षा भी भरी हुई है और क्या स्थिति होगी। तो उस तरह बच्चे और अध्यापक का जो होना चाहिए सामंजस्य वो कम बन पाता है। तो वो सोच के हमें इस क्लासरूम में बच्चे आकर्षित होते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इसमें वो अपने प्रश्न उत्तर भी दे सकते हैं, उनकी रुचि और जागृत होगी। जनपद में अपनी एक छवि बना पाई है विद्यालय और इसके प्रेरणा बनी आप, और इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और आगे क्या करने के आपके प्लान? देखिए, हमने तो कोशिश ये की कि हम नींव का पत्थर बन सके। कोई आगे आता है कहते हैं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, तो जब कोशिश की जाती है बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। जब एक कोशिश हमने की दूसरे देखा हाँ अच्छा लगता है तो उसने भी वो कोशिश की। इस तरह हमारे परिषद विद्यालय बदल रहे और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे परिषद के जो अध्यापक है उन बच्चों में बदलाव ला रहे हैं, ये हमारे लिए अपनी एक खास उपलब्धि है। और आज इस अवसर पर हमने अपनी तरफ से सब बच्चों को छात्र डायरी भी वितरण की है। वैसे तो 2013 से आया, 2017 में हमने उसका कवर दिया, इस वर्ष अभी आज से हमने पूरी छात्र डायरी को वितरित कराई है। और इसके माध्यम से अध्यापकों का हमसे प्रतिदिन समझ लीजिए कि संपर्क रहेगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। जेठवाड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक के द्वारा आयुष कौशल की निर्मम पिटाई करने के बाद फोटो वायरल हो जाने पर जबरन फंसा दिया गया। 120B में डेरवा रजत केशरवानी हत्याकांड में इस खुलासे से नहीं संतुष्ट पीड़ित मृतक का परिवार। पीड़ित का कहना है कि एक ही आरोपी दिलीप जायसवाल ने ही गोली मारी है, पुलिस और लोगों को फर्जी में फंसा कर हमारी दुश्मनी बढ़ा रही है। जबकि इस हत्याकांड में नामजद हत्यारोपी दिलीप जायसवाल को ही नामजद किया गया था। पीड़ित की तरफ जबकि 5 अप्रैल 2019 की शाम 8 बजे डेरवा बाजार के पहले रजत केशरवानी को गोलियों से भून दिया गया था। जब इस मामले में मृतक के बाबा से जानकारी चाही, उन्होंने बताया हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, केवल दिलीप जायसवाल ने ही मेरे नाती रजत जायसवाल की निर्मम हत्या की। जेठवाड़ा पुलिस बड़ी साजिश करके हत्यारोपी दिलीप से मिलकर कई नाम और डाल लिए। जब आयुष कौशल को पकड़ा गया तो मोटी रकम न मिलने पर पिटाई की गई। उसके बाद में 120B में 302 के आरोप में जेल भेज दिया गया। मृतक के बाबा नन्हे लाल केशरवानी ने कहा कि जेठवाड़ा पुलिस क्यों फर्जी लोगों का नाम डालकर हमारे परिवार की दुश्मनी बढ़ाकर और हत्या करवाना चाहती है। जब इस रजत हत्याकांड के मामले में प्रतापगढ़ के SP यस आनंद से जानकारी चाही तो आपने माताहत प्रभारी निरीक्षक का बचाव करते पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो हत्या का खुलासा हुआ है वह सही है। 120B में आयुष कौशल को गलत नहीं फंसाया गया है। हम बताए आपके जो है नाती का जो है हत्या कर दिया गया था डेरवा के बगल, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि 5 अप्रैल को हमारे नाती का 8 बजे करीब 10 मिनट पाँच मिनट कम हत्या की गई। इन्होंने दिलीप
जयपाल जोसेफ धमकी दे रहे थे, मोबाइल में उसे टेप भी किया गया है ना। एसओ सीओ एसओ सब ने कहा कि इसी ने करा, जब किया नहीं तो भागा था क्यों? ये अपना रिवाल्वर मोबाइल छोड़ के भागा। तो हमने कहा यही दुश्मन हमारे और कोई दुश्मन है नहीं, आप इंक्वायरी कर लीजिए। सीओ ने इंक्वायरी किया, उसकी 1000 गलती पाई गई, मेरी कोई एक पैसा गलती नहीं पाई गई। इस लुपे हमने FIR किया, उसके नाम FIR दर्ज हुआ। उसके बाद जो है दुनिया के पंचौरा सीओ आए गए, और फिर उसके बाद जब चार सीट के लिए गए तो एक बार वर्मा जी बिगड़ भी गए। उसके बाद जो है चार सीट दिया गया तो अनर्गल भर रहे हैं, जो कि हम लोगों के बच्चों से कोई रब्त जब्त भी नहीं है। इस तरह से अत्याचार मचा दिया है थाने वालों कि हम तो तंग आ गए, और दुश्मनी मेरी बढ़ा रहे हैं। एक तो गया, एक आध दो और जाएं। इन लोगों से मैं संतुष्ट नहीं, वो सब जबरदस्ती ये बच्चों को भर रहे हैं। हम उससे हम अपने बच्चे के मरने ज़्यादा इन बच्चों को जान समझ दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि मैं खाना पीना आराम कर दिया। 120 में भी किसको किसको और कर रहे हैं अभी है, ये पैसे के पीछे किसको कर रहे हैं? हम नाम दर्जी तक 302 का मुलजिम मैंने बनाया हूँ। अबे पैसे पा कर जो भी भर दें हमको भी भर सकते हैं। ये तो ऐसी महकमा है कि कहने मतलब ये पैसे पा जाए तो हमको भी भर दें। आपको शुभ नाम? हमारा शुभ नाम नन्हेलाल केसरवानी। पता डेरवा मुकाम पोस्ट सब डेरवा है। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, प्रतापगढ़। हमीरपुर जिलाधिकारी महोदय ने आज जिला जेल का निरीक्षण किया। बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते एकाएक यूपी के टॉप जिलों में शामिल हुए हमीरपुर जिले प्रशासन अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर कदम उठा रहा है। इसी के चलते अब उसने जिला कारागार में बंद कैदियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। आज जिला कारागार में DM और SP ने अपनी टीम साथ औचक निरीक्षण करते हुए सभी कैदियों और उनके सामानों की तलाशी ली, और साथ ही जेल प्रशासन को निर्देशन जारी किया है कि कैदियों के आने जाने पर विशेष नजर रखी जाए। देखिए आज जिला कारागार हमीरपुर का आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा और SP महोदय के द्वारा किया गया। साथ ही साथ ADM साहब, एडिशनल SP साहब की टीम और एक डिप्टी कलेक्टर और एक और आकस्मिक निरीक्षण था, और सभी बैरकों की सघन इसमें चेकिंग भी की है कि सारी चीज़ें मानसूबन है कि नहीं, और इसी के डिस्ट्रिक अधिक्षक और जेलर को साफ सफाई और दूसरी व्यवस्था कराने, जो रोगी हैं उनकी प्रॉपर इलाज हो जाए, जो यहाँ के प्रभारी डॉक्टर हैं वो, और तथा जेल में समस्त मानकों का पूर्ण अनुपालन हो और होता रहे, स्वराज के निर्देश भी दिए। सर कुछ छापेमारी में कुछ बरामद हुआ? ऐसी कोई चीज़ नहीं बरामद की हुई जो कि किसी भी नियम का उल्लंघन कर रही है, लेकिन फिर भी सतर्कता पूरी बनी रहेगी, और इसी के लिए जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को ये कहा गया कि उस प्रकार की कार्रवाई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। यूपी के हमीरपुर जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पार्टी कार्यालय में एकत्रित होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना की। उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी कार्यालयों में मनाए जा रहे जन्मदिन के क्रम में हमीरपुर में सपा के वरिष्ठ नेता फरीदुद्दीन और पप्पू चेयरमैन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता चौधरी, जवीर समाज सेवी मकसूद अहमद उपला का मास्टर, उत्तर प्रदेश के सभी पार्टी कार्यालयों में मनाए जा रहे हैं जन्मदिन के क्रम में। आज हमीरपुर में सपा के वरिष्ठ नेता फरीदुद्दीन और पप्पू चेयरमैन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता चौधरी, जवीर समाज सेवी मकसूद अहमद उपला का मास्टर एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लंबी उम्र के लिए केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति पर भी चर्चा की। इसके अलावा हाल ही में BJP विधायक अशोक चंदेल को 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड में दोष सिद्ध होने एवं सजा होने के बाद से खाली हुई सदर विधानसभा की सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के युवाओं में किसानों के करोड़ों लोगों की मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे। हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास उल्लास के साथ यहाँ पर जन्मदिन मनाया है, साथ ही अपने धन्यवाद भी ज्ञापन किया है माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो उन्होंने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम किया था, और आज मजबूर होकर के इस प्रदेश की सरकार को कोर्ट के आदेश पर यह काम करना पड़ा है।
हम माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेता जी को हृदय की गहराइयों से बधाई भी देते हैं और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से ये कामना करते हैं कि वो हजारों साल इस दुनिया में अपना जीवन। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन के कड़े रुख के बाद भी थाना क्षेत्र के विभिन्न नदियों, नालों तथा रिहन डैम के निषिद्ध क्षेत्र से अवैध बालू भंडार की होड़ लगी हुई है। परियोजना में कार्य करने वाली कंपनियां, ठेकेदार हों या गांव कस्बे में सप्लाई करने वाले बालू माफिया, सबके सब बालू भंडारण करने में रात दिन लगे हुए हैं। इलाके की रिहंदम डैम से परियोजना के बोट प्वाइंट के पास तो सैकड़ों ट्रक बालू का लोड देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं इलाके के आजिन नदी, सेवका डाट, इंजानी, लहबरवा, पत्थरकंडी, गुजरा बहरा, जरहा, वहीं इलाके में अजीर नदी, सेवका डाट, इंजानी, लहबरवा, पत्थरकंडी, गुजरा बहरा, जरहा, महोली, रजमिलान, बिच्छी नदी, चेतवा, राजो आदि स्थानों पर अवैध बालू के भंडारण के इलाके, दर्जन ट्रक अवैध बालू के भंडारण के इलाकों में दर्जनों ट्रक लगाए गए हैं जो विभिन्न नदियों, नालों और रिहदम डैम से बालू का खनन करने में रात दिन लगे हुए हैं। बताया जाता है कि बालू यूपी की नदियों का लगाया जाता है, लेकिन रॉयल्टी एमपी के एक खनन खदाने से खरीद कर कागजी पेट भरकर कोरम पूर्ण कर लिया जाता है। लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गोरख धंधे का तत्काल बंद कराने की मांग की है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनामिका श्रीवास्तव के साथ राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। सोनभद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी दिनों के जम्मो जहद के बाद ताला तो खुला, परंतु पहली पार्टी के प्रयास से प्रशासन की मदद से ताला लगा दिया गया। अब जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक राष्ट्र श्रमिक संघ का ताला बंद रहेगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनामिका श्रीवास्तव के साथ राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र।